सबसे पहले हम ये जो डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर वन है इसको करना है। तो सभी बच्चे एकदम आहिस्ते से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक से आप जो है ना क्वेश्चन नंबर वन को पढ़िए। ये लोग लेट क्यों आते हैं भाई? बस इतने ज्यादा इतने ही होता है।
इसका मतलब कितना डेल्टा क्यू चेंज कितना आया, डेल्टा जो चेंज है वो आया है क्यू वन माइनस, क्यू वन था सी बी, क्यू टू है सी बी बाई टू, यानी कि सी बी बाई टू चार्ज में अंतर आ गया, क्या चार्ज में। अब आप देखिए चार्ज में अंतर आ गया तो मैं कहूंगा वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी बताया था कि जो वर्तन होता है वो होता है चार्ज फ्लो, वर्तन क्या होता है चार्ज फ्लो इनटू ईएमएफ, जितना ईएमएफ है उसको चार्ज फ्लो से मल्टीप्लाई करिए तो वर्तन है, चार्ज फ्लो कितना है सीवी बाई टू, ईएमएफ कितना है वी बाई टू, नई बैटरी का ईएमएफ वी बाई टू, फिर कितना आ जाएगा सीवी स्क्वायर बाई टू, ये वर्तन बाई बैटरी है। अब देखो ये तो वर्तन बाई बैटरी आ गया, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है यू इनिशियल, यू इनिशियल है हाफ सीवी स्क्वायर, यू इनिशियल कितना है हाफ सीवी स्क्वायर, अब देखो यू फाइनल कितना है, यू फाइनल है हाफ सी डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/8 CV, ये U है। अब आप देखिए आपके पास U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, U फाइनल आपके पास और वर्क डन बाय बैटरी कितना हो CV स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा यहां पर चार्ज फ्लो को समझिए कि ये प्लस चार्ज था, यहां पर प्लस चार्ज था, यहां पर ये प्लस और माइनस। अब आप मुझे बताइए यहां जो ये हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है ये बैटरी का वर्क तो है, बैटरी का वर्क है, लेकिन ये जो चार्ज फ्लो होगा ये बैटरी की एनर्जी में इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, इस बैटरी टाइम पे ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ये कौन बताएगा वरुण, वरुण बेटा इस समय हाजी डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज। अच्छा आपका क्या कहना है खुशी, अच्छा अमान्य खुशी, खुशी बताओ इस समय बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज, हम क्या नाम है इसका अभी अविरल, अविरल आप बताओ इस समय बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो कर रहे करें, ध्यान दीजिए बेटा ये पोटेंशियल था पहले, पहले इसको बड़े पोटेंशियल पे जोड़ा गया था तो इस कैपेसिटर पर भी पोटेंशियल था, अब क्या किया गया इसको छोटे पोटेंशियल से जोड़ दिया, तो इस पर पहले पोटेंशियल भी था अब वी बाई टू होगा, यानी कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल गिरेगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल गिरेगा तो क्या होगा इसको मिलेगा इसको। अब आप देखिए टोटल मिला करके ये पूछ रहे हैं क्या फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, तो हम सर्किट का हीट प्रोड्यूस करें, पहले एनर्जी कितनी थी बाद में एनर्जी इतनी बच गई, बाद में एनर्जी इतनी बच गई और सीवी स्क्वायर बाई फोर आपका बढ़ गया, तो हम पता है क्या करेंगे, हम क्या करेंगे टोटल पहले वाली एनर्जी है ना, अब ये पता है क्या हो रहा है सेल जो है वो चार्ज हो रहा है, ये बात तो ठीक है सेल चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज फ्लो के साथ में चार्ज जो हो रहा है ना सेल को चार्जिंग तो हो रही है लेकिन इतना वर्क जरूर कर रहा है, तो आप देखिए कि क्या क्या लॉस होगा, हीट लॉस, हीट लॉस, हीट लॉस होगा इनिशियल एनर्जी कितनी हाफ सी बी स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी कितनी एनर्जी
इसमें से माइनस हाफ 1/8 सीवी स्क्वायर बची है और बाकी बैटरी को कितना मिल गया, बैटरी को कितना मिल गया, कहां गया बैटरी को, ये भी सीवी स्क्वायर आई। यानी क्या बताओ लॉस कितना हुआ, सीवी स्क्वायर 1/2 माइनस 1/8 माइनस 1/2 कैलकुलेशन करो कितना आ गया, कैलकुलेशन करिए आप देखिए ये जो है ना कैलकुलेशन बिल्कुल उसी बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से मैं आपको सारा जो है प्रोसेस समझाता हूँ कि इस कैलकुलेशन को ऐसे कैसे किया जाता है, कैसे आप यूनिट लॉस के एकदम करेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए क्या क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कितनी, हाफ सीवी, बाद में फाइनल एनर्जी रीडिंग इक्वल टू 1/8 सीवी, बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी कितना 1/4 सीवी। ये अब आप देखिए आपको हमने बहुत पहले कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या कंसेप्ट पढ़ाया था कि टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी प्लस लॉस, अगर लॉस हो रहा होता है तो हम ऐसा क्या करते हैं, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी प्लस लॉस, ये हमारा फार्मूला था एनर्जी का जनरेशन कि अगर कभी लॉस हो रहे हैं तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी प्लस लॉस। अब मैं टोटल इनिशियल एनर्जी की बात करूंगा तो ये है कितना 1/2 सीवी, टोटल फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी 1/8 सीवी स्क्वायर प्लस बैटरी के अंदर गई, बैटरी में स्टोर हुई, कितनी स्टोर हुई 1/4 सीवी स्क्वायर प्लस लॉस, ये लॉस आपको निकालना है। तो हमने लॉस लिया, आप चेक करिए 1/8 सीवी, ये कुल मिलाकर के इसी तरह की बात है। आप समझिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे मान लो आपके किसी फ्रेंड के पास, आपके किसी फ्रेंड के पास 1000 रुपीज, फ्रेंड के पास में 1000 रुपीज राइट। अब मान लो लास्ट में जाकर के उसके पास में 200 रुपए बस गए, 200 रुपए बस गए। अच्छा मान लो उसने 600 रुपए की बुक्स खरीदी बाजार से, 600 रुपए क्या खरीदे, बुक्स खरीदी है ना, बाकी उसने क्या कर दिया, बाकी उसने खर्चा कर दिया, बाकी उसने खर्चा। अब देखो आप 1000 रुपए फ्रेंड के पास थे, उसने 200 रुपए बस गए लास्ट में उसके पास में, और 600 रुपए बुक्स खरीदी तो खर्चा कितने का हुआ, जो भी बच गया। तो ये कंसेप्ट यही है, यहां पर क्या सीन है, यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है। कैपेसिटर के पास में शुरू में हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी, कैपेसिटर के पास शुरू में हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी, अच्छा और बाद में कितनी बच गई, 1/8 सीवी स्क्वायर। उसने अपने फ्रेंड या बैटरी को कितना दे दिया, बैटरी मतलब स्टोर को कितना दे दिया, तो बाकी क्या हुआ, बाकी खर्चा हो गया, खर्चा माने ये बात ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 किस किस को समझ में आ गया अच्छी तरह से, है कृष्णा कपिल को समझ में आ गया, अच्छा विभूति बेटा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, अच्छा जो एक बात मैं आपसे कहना चाह, जैसे आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसका क्या किया करो कि मेरे से बार बार पूछ लिया करो, है ना, जैसे आपने मान लो एक बार पूछा तो हो सकता है मैंने पढ़ा उसके बाद में आपके दोबारा ध्यान दिला दिया करो, है ना, और पूछ लिया करो। और वैसे मैंने आपसे कहा था
आपको अगर ज्यादा कलेक्ट कर लेते हो क्वेश्चन तो आप टाइम ले करके डिस्कस करने के लिए आप मेरे घर पर भी आ सकते हैं ना। तो यू कैन विजिट माय हाउस। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, कलेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करता हूं। देखो The arrangement shows a part of complete circuit. The potentials at A and B are given in below by the potential at B. देखो जी, ये आपका point A है, यहाँ पर capacitor है, यहाँ पर आपका capacitor है, यहाँ पे point B. देखो point A है, ये capacitor C1 है, ये capacitor C1. इन्होंने कहा है A का potential V1 है, B का potential V2 है, यहाँ पर एक point है B, उसका बारे में हमें पता नहीं। तो VP का पता लगा, क्या लगाना है? VP का पता लगा, तो हम लगा रहे हैं। देखो शुरू करें लगाना। तो देखिए आप, मैं किसी एक पॉइंट को हाई पोटेंशियल मान लेता हूं, किसी दूसरे को लो मान लेता हूं। तो मान लेता हूं मैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, हमने सपोज कर लिया V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। अब आप ध्यान दो यहां पर, जब हमने ऐसा किया, एक बार हम यहां से किरचॉफ्स को अप्लाई करेंगे, ए से लेके बी, ए से हम स्टार्ट करेंगे और बी पर पहुंचेंगे। तो मान लीजिए सी पर जो है पोटेंशियल कुछ होगा, सी के ऊपर भी पोटेंशियल कुछ होगा, राइट। तो मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप देखो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये C1 और C2, अगर ये हायर है और ये लोअर है, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। दोनों कैपेसिटर किस में? सीरीज में। कैसे? अगर मैंने इसको हाई पोटेंशियल माना और इसको लो पोटेंशियल माना, पता है क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किस में? सीरीज। जब सीरीज में है तो इनके चार्ज बराबर है, सीरीज में है तो इनके चार्ज बराबर, चार्ज अलग अलग नहीं, राइट। अब जब दोनों में चार्ज बराबर आएंगे तो मैं बोलूंगा सी वन। अब आप बताना, मेरे पूछ रहा हूं इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है सी वन पर? सी वन पर पोटेंशियल की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को? ऐशिता बताएगी? शाबाश। सी वन पर पोटेंशियल की वैल्यू बताएगी क्या? सी वन पर पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी था? बेटा आवाज आ रही मेरी? अच्छा, आप मेरे को बता सकती हैं सी वन फर्स्ट कैपेसिटर पर पोटेंशियल की वैल्यू? चलो कृष्णा कपिल बताएगा। कृष्णा कपिल बताएगी सी वन पर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी? वी वन माइनस वी। देखिए सोनाली कह रही है कि कैपेसिटर की सी वन पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है वी वन माइनस वी। भाई यहां का पोटेंशियल वी वन है और यहां का वी वी, तो ये होगा वी वन माइनस। सही बात है, एकदम सोनाली ने एकदम सही बात, ठीक है। V1 माइनस वी, तो आप देखिए यहां लिखेंगे हम V1 माइनस वी, क्यों? सेकेंड कैपेसिटर उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? इसी का ताया, बताओ जल्दी, करेक्ट। VP माइनस आपका ये वीपी आ जाएगा
Siman di 14 situ gitu apa? Siman plus Cekelina. Cekelina bang. Did you give your answer? Yes. Ready now. अब आते हुए इस सवाल के अंदर स्टेप्स हमने क्या है? सबसे पहला स्टेप हमने ईमानदारी से जो आपके क्वेश्चन में दिया उसको वैसा का वैसा पैक कर, सवाल जैसा सवाल ने दिया वैसा कर। देखिए क्वेश्चन वाले ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने किया 100%। आप देखिए लॉजिकली कैसे, क्वेश्चन वाले ने कहा था कि एक कैपेसिटर है और दूसरा है, ये C1 है और ये C1, इसे हम कहेंगे A1, इसे कहेंगे B1, इसका पोटेंशियल V1 मान लिया गया है, इसका पोटेंशियल V2 मान लिया, इसका हमने P मान, हमने अपने आप सपोज कर लिया कि V1 ग्रेटर है, ये हमने सपोज किया, ये दिया नहीं है क्वेश्चन वाले, यानी दिस इज नॉट गिवन बाय क्वेश्चन। अच्छा अब कोई बच्चा अगर V2 ग्रेटर है V1 सपोज कर ले तो ऐसा कर ले तो कोई बच्चा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऐसा सपोज किया या वैसा सपोज किया इससे कोई फर्क नहीं, आपका आंसर वही है, बस अंतर क्या पड़ेगा फिर आप ये उल्टा काम करोगे, इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे, अभी हम V1 ग्रेटर देन V2 मान के चलते, जनरली हम ऐसा ही करते हैं, V1 ग्रेटर देन V2 ही मान कर चलते हैं। तो देखो क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल है बोल दो है, जैसे अगर ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा V1 माइनस V, इस पर पोटेंशियल कितना आएगा VB माइनस V। आपके चार्ज बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, और मैंने आपको बताया था सीरीज के अंदर चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। है? आज तीन चार बच्चे एब्सेंट, चार बच्चे एब्सेंट है, बहुत ज्यादा एब्सेंट है, छह सात छह बच्चे एब्सेंट, तो ये मतलब टाइम खराब टाइम गलत ले गया क्या हमने, तो छह बच्चे एब्सेंट हो गए, जबकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे मैंने तो जानबूझ के थोड़ा सा गया, मैं एक्चुअल में चाहता तो क्लास को 8 बजे शुरू कर सकता था, लेकिन 8 बजे शुरू करने में मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा था कि हो सकता है किसी को परेशानी हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया कि इस समय तक जो है सब लोग अपने सारे काम कर रहे हैं, या 9 बजे बाद ही काम चालू, सर हमारे यहाँ तो खाना ही 9 बजे बाद चालू होता है, तो आप 11 बजे खाते हैं 1 बजे सोते हैं, ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं इस दुनिया में, बहुत विचित्र जीव है इस दुनिया में, रात को 11 बजे खाना शुरू करते हैं, 12 बजे तक खाते हैं, 2 बजे तक सोते हैं, है ना, और फिर सुबह 11:30 बजे उठते हैं। हाँ चलिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को एक सर्किट दिख रहा है काफी सारा, और ये कह रहे हैं इन द सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज सेट अप ए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी टू, अच्छा वहां तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्या, मैं जरा इस सर्किट को देख रहा हूं बहुत ध्यान से, आप सब लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सर्किट को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 के सर्किट को ध्यान से देखो, है एक दो तीसरी बार में 4 वोल्ट लगा 4 माइक्रोफैरड, देखो ये 2 ये भी है 2 फिर यहां पर 4 है, ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, यहां पे इन्होंने लगाया है देखिए आप इसको यहां से जोड़ दिया है, इसको यहां ये क्वेश्चन नंबर 3 का सर्किट, बहुत ही आसान सवाल है, ये 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रो 4 माइक्रो ये 2 माइक्रोफैरड ये 2 माइक्रोफैरड, अब देखो सुनो 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड सीरीज में है, 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड क्या है
सीरीज के अंदर। जब ये सीरीज में है तो क्या होगा, 4 एंड 4 दोनों का टोटल हो जाए 2 हो जाए, फिर ये 2 एंड 2 वापस से 4 हो जाए, 2 एंड 2 वापस से 4 हो जाए, फिर ये 4 एंड ये 4 वापस से 2 हो जाए, फिर ये 2 एंड ये 2 वापस से 4 हो जाए, और फिर ये 4 एंड 4 वापस से 2। देखिए सीरीज में ही कैपेसिटर घटता है, तो दो इक्वल कैपेसिटर इन सीरीज है ना। देखो सीरीज के अंदर क्या करते हैं, सीरीज में हम करते हैं सीरीज है ना, तो देखो सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी है ना। तो आप देखिए क्या होगा, जब ये सीरीज होगा तो ऐसा होगा 1 अपॉन सी, अब 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 1 लिखो, तो सी इक्वल टू सी 1 बाई 2 आ जाएगा, यानी इक्वल कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो आधा हो जाएगा, पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो ये चार चार सीरीज में है तो 2 हो गया, फिर 2 और 2 जुड़ेंगे 4 हो गया, फिर 4 और 4 जुड़ेंगे 2 हो गया, फिर 2 और 2 जुड़ेंगे 4 हो गया, फिर 4 और 4 जुड़ेंगे वापस 2 हो गया, यानी कि सी फाइनल 2 ही है, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस 2 ही। अब आप देखो ए और बी के बीच वोल्टेज कितना है, ए और बी के बीच वोल्टेज 200 है, यहां पर 200 वोल्ट। अब सुनिए ये 4 माइक्रो फैरड और ये 4 माइक्रो फैरड है, सारा मिला के 4 माइक्रो फैरड, दिस 4 एंड दिस एंटायर बकवास, तो 200 वोल्ट का इक्वल डिवीजन होगा, इस पर 100 वोल्ट आएगा, इस पूरे पर 100 वोल्ट है, यानी यहां से आना 100 वोल्ट है, राइट। फिर देखो ये 4 माइक्रो फैरड है और ये सारा मिला के 4 माइक्रो, फिर ये 100 वोल्ट जो यहां आएगा इसके फिर दो टुकड़े, इस पर 50 वोल्ट आएगा और इस सारे पर मिलकर 50 वोल्ट आएगा, फिर ये 50 वोल्ट जो है इसके दो टुकड़े, इस पर 25 वोल्ट आएगा, इस पर 25 वोल्ट आएगा। आपको यहां पर पूछा है कि 25 वोल्ट आंसर है, कितना आसान लगा ये सवाल है। हाँ, तो ध्यान दीजिए आप, उन्नति कुछ कहना चाह रही है क्या, बोलना चाह रही है क्या, नहीं ध्यान दीजिए, ये जो 2 माइक्रो फैरड है ना इस पर 50 होगा, ये जो 2 माइक्रो फैरड है इस पर 50 होगा और उसके बाद ये 25 और 25 होगा, यहां से बंटवारा होगा, 200 वोल्ट बढ़ेगा 100 वोल्ट 100 वोल्ट, फिर ये जो 100 वोल्ट है वापस 50 वोल्ट 50 वोल्ट, फिर 50 वोल्ट 25 वोल्ट 25 वोल्ट, इस तरह से ये पोटेंशियल में डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाएगा। तो आप ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारे वहां होता था, रेजिस्टेंस में भी वैसे ही करते थे आप कि बांट देते थे बाप है ना, ये संस्कृति जुड़ नहीं पा रही। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज ने करने का प्रयत्न किया, अविरल आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया क्या, अविरल अविरल को मेरी आवाज आ रही है क्या, अविरल अविरल चला गया क्या कहीं पे, हाँ अविरल ने क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश, अविरल ने क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश की क्या, हो गया आपसे वेल, देखिए क्वेश्चन कपड़ा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप,
अदरक ने कर दिया है, लेकिन मैं समझा रहा हूं ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस विद स्टैंड्स मैक्सिमम विद दिस वो. अच्छा व्हाइल कैपेसिटर सी टू द मैक्सिमम वोल्टेज इज दिस. ओके तो व्हाट वोल्टेज शुड बी गिवन सो दैट दिस टू कैपेसिटर्स कैन विद स्टैंड इन सी. अच्छा देखो ये इन्होंने क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर फोर में. क्वेश्चन नंबर फोर में कह रखा है कि एक कैपेसिटर है सी वन, ये सी वन जो है ये है वन माइक्रो फैरड. सी वन बराबर वन माइक्रो फैरड. इस कैपेसिटर की दम दे रखी है औकात दम. ये कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा 6 किलो वोल्ट को सहन कर सकता है. 6 किलो वोल्ट के बाद इस कैपेसिटर की डेथ, यानी इसको ज्यादा नहीं दे सकते आप इसको ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते. तो इसके अंदर आप 6 किलो वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते. अब देखो दूसरा कैपेसिटर सी टू, दूसरा कैपेसिटर सी टू है 2 माइक्रो है ना. अब इसको ये कह रहे हैं कि इसकी 4 किलो वोल्ट की कैपेसिटी, यानी आप 4 किलो वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते है ना. अब उन्होंने कहा कि हम इसको एक सोर्स से जोड़ेंगे, किसी बड़े सोर्स से. आपको उस बड़े सोर्स का ऐसा वोल्टेज बताना है कि कोई भी कैपेसिटर जो है डिस्ट्रॉय ना हो, है ना. ये सी वन जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 6 किलो वोल्ट की, यानी इतना वोल्ट झेल जाएगा. और जो सी टू है उसकी कैपेसिटी 4 किलो, इतना वोल्टेज झेल जाएगा राइट. अब आप देखो इतना झेल जाएगा. तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये दोनों कैपेसिटर इन्होंने सीरीज में जोड़े, सीरीज में जोड़े हैं तो भैया चार्ज बराबर है, सीरीज में चार्ज बराबर. चार्ज बराबर आने का मतलब है सी वन वी वन बराबर सी टू. इसका मतलब वी वन अपॉन वी टू बराबर सी टू अपॉन सी टू. इसका मतलब वी वन अपॉन वी टू बराबर सी टू अपॉन सी टू. सी टू कितना है 2 माइक्रो, सी वन कितना है 1 माइक्रो, कितना आएगा. अब देखो मतलब वी वन डबल हो सकता है ठीक. इसका मतलब यह हुआ कि इसको आप 6 किलो वोल्ट तक दे सकते हो मैक्सिमम, इसको आप 6 दे दो तो भैया नीचे वाले को 3 ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा दे नहीं सकते आप, क्योंकि आपका रेशो 2:1 आना चाहिए. पहले वाले को आपने 6 किलो वोल्ट दे दिया तो इसको आपको 3 किलो वोल्ट देना पड़ेगा, 3 किलो वोल्ट से ज्यादा देने से. तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया 9 किलो वोल्ट. अभिनव आपने जो सवाल सॉल्व किया था वो ऐसे ही किया था या कुछ अलग था. अभिनव ऐसे ही किया था, शाबाश ऐसे ही किया था, चलो सही है. तो ध्यान दीजिए जो है उन दोनों जो कैपेसिटर है ना उनकी कैपेसिटी बताइए. सवाल वाले, सवाल वाले ने ये कहा है ये दोनों कैपेसिटर जो है वो इससे ज्यादा वोल्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते. और देखो क्या हुआ कि जब हमने यहां पर कैलकुलेशन की तो हमारे पास वी वन और वी टू का रेशियो है 2:1. आप एक बार सवाल पढ़े, सवाल में पूछा है व्हाट वोल्टेज विल द सिस्टम ऑफ दिस टू कैपेसिटर्स विद स्टैंड इफ दे कनेक्टेड इन सी. इसका मतलब हमें ऐसा वोल्टेज ढूंढना है जिससे दोनों कैपेसिटर्स अपना जीवन उस आदि के साथ जी लें, है ना. कोई भी कैपेसिटर अपना जीवन छोड़े ना, कोई कैपेसिटर उड़ ना जाए, हम चाहते हैं दोनों कैपेसिटर्स को जिंदा रखना. तो क्या किया, पहले वाले को तो हमने मैक्सिमम दे दिया, दूसरे वाले में कुछ भी कर ले 3 किलो वोल्ट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी ज्यादा दिया, थोड़ा सा भी अगर आपने इसको ज्यादा दे दिया तो इसमें बढ़ जाएगा, 6 की जगह 7 हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी बढ़ेगा आपने थोड़ा सा ज्यादा दिया.
इसलिए इसको ज्यादा देने की गलती मत करें। ठीक है, चलिए अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहां पे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 किस किसने कर लिया? अभिनंदन ने कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कृष्णा कृष्णा कपिल बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया क्या? कर लिया। अच्छा अविरल अविरल क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया क्या? उसी उसी क्वेश्चन नंबर 5 किया क्या? टोनाली क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया क्या? टोनाली क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में दो बार है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये लैडर सर्किट। लैडर सर्किट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सर्किट। इनफाइनाइट सर्किट है तो क्या होगा? इनफाइनाइट सर्किट है तो क्या होगा कि आप इसको एक रिजल्ट मान लो और फिर इसमें एक सेट आउट हो, उसके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कंसेप्ट वही है जो पहले किया था। पहले रेजिस्टेंस में हमने जो इनफाइनाइट लैडर वाला किया था, तो इनफाइनाइट लैडर में हम क्या करते थे? इनफाइनाइट लैडर में हम क्या करते थे? इनफाइनाइट लैडर में हम यही करते थे कि एक उसका रिजल्ट मान लिया, फिर उस रिजल्ट को हम आगे जोड़ देते थे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, सपोज सपोज जेड इज रिजल्टेंट कैपेसिटी,
नंबर है डेल स्क्वायर माइनस सी जेड प्लस सिक्स सी जेड माइनस सिक्स सी स्क्वायर, ऐसा है क्या? इक्वल टू देखो जेड यहां पर हम कॉमन लेंगे, जेड माइनस सी आएगा, चेक कर लिया।
इजिप्ट ऐसा है क्या? राइट, क्वेश्चन नंबर सिक्स किस किसने कर लिया? क्वेश्चन नंबर सिक्स हाँ जी, सिक्स सवाल किस किसने कर लिया? अभिलाल, अमान, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लिया होगा, ट्राई किया आपने? ट्राई किया तब नहीं हुआ। तो नली ने किया क्वेश्चन नंबर सिक्स, कर लिया। अच्छा, विभूति क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने किया बेटा, चलिए। इनिशियल चार्जेज ऑन बोथ दी कैपेसिटर्स आर सी, दो कैपेसिटर है उन पर दोनों पर सीवी चार्ज है इनिशियल। फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इफ बैटरी इज कनेक्टेड एट जीरो। ठीक है, कर दिया, कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड द वर्टन बाय बैटरी, ठीक है, ये भी कर देते हैं। अब आप देखिए क्या क्या है। पहले दो कैपेसिटर है वो मैं बना रहा हूं अलग। देखिए मैं डायग्राम बड़ा ध्यान से बना रहा हूं, आप लोग चेक करना। पहले अकेला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C, बाद में दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 3C, राइट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इसका चार्ज CV है, इन्होंने इसका भी चार्ज CV बता दिया। ये साथ दोनों का चार्ज बराबर होता, दोनों का चार्ज बराबर बता दिया, राइट। इसके बाद में क्या किया, ये दोनों कैपेसिटर है ना सर्किट की तरह जोड़ता है, तो फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इफ बैटरी इज कनेक्ट। तो हम चेंज कर देते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बना। तो देखो सुनो, ये आपका कैपेसिटर है और ये आपका दूसरा कैपेसिटर, इन दोनों को वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ो। ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर बी सी है, इसको बी वोल्ट की बैटरी। हाँ जी बोलिए, बोलिए बेटा। सृष्टि जो है कहाँ चली जाती है? चलो चलिए इधर जान लो, ये आपका पहले इस पर चार्ज सी भी था, इस पर भी चार्ज सी, लेकिन इसकी कैपेसिटी थ्री सी है, इसकी कैपेसिटी सी। अब मैं जोड़ने से पहले कि दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी बता, जोड़ने से पहले यू वन, जोड़ने से पहले यू, यू वन बराबर कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। यदि हम इससे पहले वाला काम क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो बताओ क्यू स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू सी, कितना आ जाएगा सी बी स्क्वायर अपॉन यू टू, यू टू कितना आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू थ्री सी। अब आप चेक करिए सी बी स्क्वायर बाय सिक्स, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है एक कैपेसिटर की और इनिशियल एनर्जी है दूसरे का, करेक्ट। अब हम फाइनल की बात करते हैं, फाइनल में आप देखें ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं कि सीरीज में, पैरेलल में, जब पैरेलल में दोनों के वोल्टेज सेम है, इस पर भी वोल्टेज वी आएगा, इस पर भी वोल्टेज। अब मैं फाइनल बात करता हूं, यू वन फाइनल, यू वन फाइनल हाफ सी बी स्क्वायर है ना, यू टू फाइनल, यू टू फाइनल है हाफ इंटू थ्री इंटू बी स्क्वायर, तो ये आ गया सी बी स्क्वायर बाई टू और ये आ गया थ्री बाई टू सी बी स्क्वायर।
माइनस यू वन फाइनल, उधर कैलकुलेशन चेक करना तो ये आएगा जी। पहले वाले की कैपेसिटर, पहला जो कैपेसिटर नंबर वन कैपेसिटर, उसका एनर्जी चेंज जीरो आ रहा है, देखो जीरो है क्या? यस। अब आप देखो दूसरे वाले की एनर्जी चेंज, दूसरे वाले की एनर्जी चेंज, आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल दिखा दो, चेंज निकाले में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो मैं फाइनल वाली लिख रहा हूं, फाइनल वाली ये है एनर्जी, फाइनल वाली है 3/2 CV², इनिशियल वाली है CV² / 2। जरा कैलकुलेशन करना। हाँ जी सॉरी CV² / 6 है ये। अब आप कैलकुलेशन करो, CV² को मान लो 3/2 - 1/6 हो, करिए कैलकुलेशन करो। इसके बाद में कह रहे हैं वर्क डन बाय बैटरी, तो सुनो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा चार्ज निकालेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज वो निकालेंगे। तो देखो सुनो, इनिशियल चार्ज निकालेंगे और फाइनल चार्ज, तो क्यू टोटल इनिशियल है CV + C V, यानी 2C, ये क्यू टोटल इनिशियल। अब जरा क्यू टोटल फाइनल देखना, क्यू टोटल फाइनल CV + 3C, यानी 4 CV क्यू टोटल फाइनल, इसका मतलब डेल्टा क्यू कितना आ गया, डेल्टा क्यू टोटल फाइनल माइनस क्यू टोटल इनिशियल, ये डेल्टा क्यू है। तो आपने टोटल चार्ज फ्लो निकाल दिया डेल्टा, बैटरी में से कितना चार्ज निकला है वो देखिए, 4 CV आपका फाइनल है, 2 CV आपका इनिशियल, तो 2 CV आपका चार्ज फ्लो। वर्क डन बाय बैटरी ये होता है क्या, वर्क बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो इनटू ये ना, चार्ज फ्लो कितना हुआ था 2 CV, ये वाला कितना है, ये 2 CV² आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, चेक करो। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 तक है ना। अब देखिए डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, लाइट गई क्या, आज ये इलेक्ट्रिसिटी बड़ा परेशान कर रही है, आज हमारे यहाँ तो मीटर जो है ना वो गया दिन के अंदर, ये बड़ी मुश्किल से सही करवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 किस किसने कर दिया, इन दिस सर्किट शो द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर एंड द चार्ज ऑन इट आर मार्क, व्हाट आर द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज ब्लू। तो अब आप बताओ ये चार्ज किस किसने निकाल दिया, बात बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस सवाल को हम अभी करेंगे और इस सवाल को आपको अच्छे से सुना था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आपको समझ लीजिए। इस तरह के सवाल जो है ये एडवांस में पूछे जाते हैं, जैसा ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या हमारे को एक्चुअल में दोहरा काम करना, एक तो हम चार्ज का जनरेशन का ध्यान रखते हैं कि चार्ज का लॉस नहीं होना चाहिए, चार्ज हर हालत में कंजर्व होना चाहिए, तो
वो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा जांच करना डायग्राम। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड, उसका चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोफैरड। दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, उसका भी चार्ज 100 माइक्रोफैरड। एक काम करो, ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड, इसका चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोफैरड। यहां पर दूसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, कितने का 2 माइक्रोफैरड, इसका चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोफैरड, और इसको शायद ऐसे डायरेक्ट जोड़ रखा है। हाँ ऐसे, एक कैपेसिटर यहां है 2 माइक्रोफैरड का, इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं। अच्छा, इन्होंने चार्ज का साइन भी बना रखा, साइन ऐसा बना रखा है कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस, और उधर माइनस है इधर प्लस, इधर माइनस है और इधर प्लस। अब आप इनका मतलब समझे, इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। प्लस माइनस का मतलब होता है कि कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है, कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है, दिस प्लेट, इस प्लेट पर प्लस 100 माइक्रोकूलम चार्ज, इस प्लेट पर माइनस 100 माइक्रोकूलम चार्ज। अच्छा, यहां पर इस वाली प्लेट पर 100 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज इस वाली, लेकिन उस वाली प्लेट पर माइनस 100 माइक्रोकूलम, राइट। अब देखो ये यहां पे कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से कनेक्शन को हम कनेक्ट करें। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सुनो, इस वाली प्लेट में से कुछ चार्ज यहां चला, एक में से कुछ चार्ज यहां चला, कितना चला जाएगा, मान लो यहां प्लस एक्स आ गया, कितना आ गया प्लस एक्स आ गया, मान लो प्लस एक्स, जब इस पर प्लस एक्स आ गया तो उस पर माइनस एक्स आना पड़ेगा। हाँ ये तो, ये तो होगा भैया, प्लस एक्स आना पड़ेगा तो उस पर माइनस एक्स। अब आप ध्यान दो क्या होगा, इस पर प्लस एक्स आया तो इस प्लेट पर चार्ज कितना रह जाएगा बताओ, यहां पर प्लस एक्स आ गया, अब आप जरा बताइए इस प्लेट पर चार्ज कितना रहेगा, कितना रहेगा बताओ, अजय 100 माइनस एक्स, 100 माइनस, क्योंकि एक्स वहां गया ना, यहां 100 था, 100 में से एक्स गया तो बेटा 100 माइनस एक्स बचेगा ना यहां। अच्छा इधर देखिए, ये माइनस 100 माइक्रोकूलम है, वहां पर माइनस एक्स आ गया तो यहां कितना आएगा, माइनस 100 माइनस एक्स आएगा। अब यहां पर टोटल चार्ज कितना था इस प्लेट का और इस प्लेट का, ये माइनस 100 था, ये प्लस 100 है। तो आप जरा देखिए कि ऐसा होगा तो क्या करना है ना, ये टोटल जीरो है, ये टोटल जीरो है, तो यहां पर हाँ बोलो इसका को ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ये है ना, ये 2 माइक्रोफैरड, तो यहां पर एक्स गया, यहां पर माइनस एक्स आया, तो यहां पर 100 माइनस एक्स, यहां पर 100 माइनस एक्स। अब यहां जो है ना, कितना चार्ज इस पर आएगा और कितना चार्ज इस पर आएगा ये सोच नहीं पा। अब यहां पता है एक खास बात और है थोड़ा सा, कि दो कैपेसिटर सेम है और एक कैपेसिटर थोड़ा अलग है, हमें चार्ज कंजर्वेशन हर हालत में अप्लाई करना है, चाहे जो भी चार्ज के साथ में कोई बेईमानी नहीं कर सकते। तो एक
काम करें क्या? हम ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, एस वाई ले लेते हैं, फिर अपने आप आ लेते हैं आपसे, है ना। देखो ऐसा करते हैं, ये हम नहीं लेते अपनी तरफ से सो माइनस, हम यहां भी कुछ नहीं, इसके इन्होंने सो माइक्रोकूलम दे रखा है। तो सुनिए ये आपको गिवन, हम इस पर एक्स मान लेते हैं, इस कैपेसिटर पर हम एक्स चार्ज मान लेते हैं, एक्स ये प्लस एक्स है वो माइनस राइट, ये हमने इस पर मान लिया। जब इस पर मान लिया तो आप मान लीजिए ये वाली जो प्लेट है ना, इस पर प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, यहां पर आप मान लीजिए ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई राइट। अब बताओ आप यहां पर ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है, अगर यहां माइनस वाई है तो यहां पर कितना आना चाहिए, यहां पर प्लस वाई आना पड़ेगा ना, जो टोटल जीरो होगा, ये माइनस वाई है तो यहां प्लस वाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका पहले माइनस हंड्रेड था और इसका प्लस हंड्रेड था, टोटल चार्ज कितना था जीरो था, तो माइनस वाई एंड प्लस वाई टोटल कितना आएगा जीरो राइट। यहां पर कितना आएगा आप देखो चार्ज, वो मैं बता देता कि यहां पर चार्ज ये देखने के बाद, तो यहां चार्ज अगर ये प्लस वाई है और यहां पर माइनस एक्स है ना, तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका और इसका, इसका और इसका सम करके सम कर, पता है मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखूंगा, सॉरी चेक करो, एक्स प्लस वाई बराबर यहां पर इसको माइनस वाई लिखना पड़ेगा, बस ये सवाल हो। अब आपका एक्स प्लस वाई बराबर सो माइक्रो, ये तो एक चीज हो गई। अब मेरे को ये जो तीनों कैपेसिटर जो दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, इसका प्लस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल जुड़ा हुआ है और इसका माइनस माइनस जुड़ा हुआ है और ये माइनस प्लस जुड़ा हुआ है, तो आप एक बार देखिए जरा कि यहां पर हम अगर किरचॉफ्स लॉ लगाए तो एक बार कंप्लीट किरचॉफ्स लॉ लगा दो स्टार्ट से लेकर लास्ट, आप मान लीजिए ये पॉइंट कुछ भी मान लो, इस पॉइंट को ए मान लो, ए क्या चलो इसको ए मान लो, ए बी सी ए का आपके पास इक्वेशन दिया, लेकिन इक्वेशन नंबर वन, अब देखो आगे की इक्वेशन सम लिख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी कोई सेल वगैरह थोड़ी दिया होगा बीच में, देर इज नो सेल, आप देखिए कोई सेल, तो देखिए आगे हम क्या, हम ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम ए का पोटेंशियल मान लेते हैं वी, ए का पोटेंशियल क्या है वी, अब देखो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चल रहा है प्लस से माइनस, तो वोल्टेज गिरेगा और वोल्टेज कितना गिरेगा, वोल्टेज होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटर, इसका चार्ज है एक्स, एक्स अपॉन टू आएगा, ये ध्यान दीजिए वी कितना आता है, वी कितना आता है चार्ज अपॉन वी इक्वल टू टू अपॉन, तो ये एक्स अपॉन टू आएगा क्योंकि इस पर चार्ज एक्स है और कैपेसिटी टू। अब आप आगे चलिए बी से सी तक, तो देखो ये माइनस से प्लस आ रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एड, माइनस से प्लस आ रहे पोटेंशियल एड, पोटेंशियल कितना है वहां पे y, चार्ज है y और कैपेसिटी है, फिर आगे देखिए यहां पर आ गए ये वापस आ माइनस से प्लस आ, तो फिर जुड़े कितना है वहां पर y, y तो y अपॉन वन आए, ये आपका वापस v है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, एक आपके पास इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर हंड्रेड, एक इक्वेशन है आपकी यहां पर, तो देखना जरा माइनस एक्स वाई टू प्लस थ्री बाई टू वाई बराबर जीरो, ये बराबर जीरो, ये दूसरी इक्वेशन, तो मैं इस इक्वेशन को जरा ठीक से वापस लिखता हूं, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो, ये इक्वेशन नंबर टू है, चेक करिए मेरी इक्वेशन में मेरा काउंसा मत करो, प्लीज डोंट बिलीव ऑन माई कैलकुलेशन। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जल्दी से, इक्वेशन नंबर वन एंड टू दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बताइए, व्हाट इज एक्स
divided by x 75 आ गया और y 25. चलो आप आंसर मैच कर लीजिए, यही आपका आंसर है. y 75, इसका मतलब इसका चार्ज 75 है ना, सॉरी सॉरी y 25 है ना, y इसका चार्ज 25, x आपका 75 है, इसका मतलब इसका चार्ज 75 और इसका चार्ज 25. देखिए आप, एक 25 है, एक 75 है, एक 25, चेक कर लिया आंसर. तो आप देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको एस मान लिया, इसको वाई मान लिया, फिर हमने बाकायदा नियम लगा दिया. यहां समस्या पता है क्या था? सब बच्चे ध्यान से सुने, यहां क्या समस्या, यहां समस्या यह थी कि हम किसी कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीरीज और पैरेलल हम कब कर पाए. सीरीज का कंसेप्ट होता है प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, ऐसा होता तभी सीरीज होता. अब यहां क्या हो रहा था, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो भैया ये सीरीज कैसे हो जाएगा, सीरीज नहीं होगा. इसी तरीके से यहां माइनस था, यहां माइनस था, तो ये सीरीज नहीं हो सकता. तो इस सवाल में सबसे बड़ी बात यही है कि आपके सामने सीरीज नहीं बन. ये सवाल एक बार आप जो है आज वापस से एक बार चेक करना और फिर कल इस सवाल को दोबारा. चलो हम थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज, हैं पढ़ा तो लेंगे, पढ़ाते तो रोज. अच्छा ये बताओ मेरे को, जैसे ये समस्या आ रही है कि जो अपना टाइम होता है 5 बजे वाला, उस 5 बजे वाले टाइम में काफी सारे बच्चों को इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है या डेटा अवेलेबल है. क्या हम सुबह है 7:30 से क्लास रख सकते हैं, क्या हम सुबह 7:30 से क्लास रख सकते हैं, जिसको ऑब्जेक्शन है वो बोले. क्या प्रॉब्लम बेटा तुम्हारी, ये बताओ अगर हम आपकी क्लास 8 बजे से रखते हैं, 8 से 9:30 रखते हैं, वैसे तो हम 9:15 छोड़ देंगे, 8 से 9:30 रखते हैं, तो किस किस को प्रॉब्लम हो जाएगी. अमान 8 से 9:30 अगर क्लास रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, है ना उसमें कि जैसे शाम को 5 बजे तक आते आते बहुत सारे बच्चों का नेट है ना वो एग्जॉस्ट हो जाता है डेटा, और वो क्या करते हैं कैसे एग्जॉस्ट कर देते हैं वो तो एक अलग कहानी है. तो 8 बजे में प्रॉब्लम है क्या विभूति कोई, अपनी सुबह 8 बजे में कोई प्रॉब्लम है आपको, एसी था बेटा, प्रॉब्लम है सुबह 8 बजे में नहीं है. अच्छा सुबह 8 बजे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो कल से तो नहीं करेंगे लेकिन परसों से सुबह 8 बजे करते हैं. क्यों भाई क्या हो गया तुम्हारे को 8 बजे, जाते हो भाई है? अरे यार तो खेत का काम तो 9 बजे, जब तुम एक बात है खेत का काम 8 बजे करते हो तो खेत का काम 9 बजे कर लेना. नहीं लेकिन बात यह ना यार, नेट भी तो अपनी एक प्रॉब्लम है ना, फिर 9 बजे तो वापस वही चालू हो जाता है, सारे ऑफिस खुल जाते हैं, फिर नेट जो है ना कमजोर हो जाता है. एक्चुअल में क्या 8 से लेके अगर हमने 9 बजे चालू किया ना क्लास, तो फिर तो 10:30 बजे तक चलेगी,
सवा दस बजे, फिर तो क्या फायदा, फिर तो पांच बजे वाला ही सही रह जाएगा, है ना बेटा। अब एक्चुअल में क्या है कि मैं तो चाहता था सुबह छह बजे ही पढ़ाऊं, लेकिन सुबह छह बजे पढ़ाने में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उठ करके साढ़े छह बजे तक आते थे, एक दो दिन पढ़ाया जो उठ करके मतलब साढ़े छह सात बजे तक ज्वाइन करते थे बच्चे, तो फिर क्या पढ़ाऊं। तो ये जो क्लास है, अच्छा ये बताओ ये आठ आठ बजे वाली क्लास नौ बजे क्यों शिफ्ट हुई, नहीं नौ बजे कहां शिफ्ट, नौ बजे तो शिफ्ट ही नहीं, हम तो आठ पे डिस्कस कर रहे थे ना अभी। हाँ तो शिवम, शिवम बेटा ऐसा है वो जो खेत वाला काम है ना यार, वो टाइम बाउंड थोड़ी ना होता है यार वो काम, वो तो हम कभी भी आगे पीछे कर लेते हैं, खेती मैंने भी बहुत की है बेटा। राजा शिवम खेती मैंने भी बहुत कर रखी है, खेती के काम तो क्या है, वो पंप चलाना होता है उसको सात बजे के बजाय आठ बजे चला दो, नौ बजे चला दो, क्या फर्क पड़ता है। आप उसमें क्या है, में ये समस्या नहीं होती ना। अब हमारे वाले में तो अगर हम नौ बजे पढ़ाएंगे तो साढ़े नौ बजे तो साढ़े दस बजे तक चलेगा, तो वही टाइम हो गया जो पांच बजे का असर होता है, फिर हमें क्या फायदा होगा। इसलिए मेरे हिसाब से इस टाइम को हम आठ से नौ पंद्रह रखें, आठ से नौ है ना, कल से नहीं रखेंगे परसों से रखेंगे, है ना। कल को आपका टाइम वही रहेगा फाइव, कल तो फाइव पी एम ही रहेगा बेटा, परसों से एट ओ क्लॉक हो जाएगा, एट ए एम टू नाइन फिफ्टीन ये टाइम हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो मैं कर दूं एक रिक्वेस्ट कि जो ये कैपेसिटर वाला जो है, ये कैपेसिटर वाला है, इसको ध्यान दीजिए आप, कैपेसिटर में जो क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेवन तक, ये आप दोबारा रिवाइज करें, और क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तक आप करके, ठीक है। थर्टीन मैं कल कराऊंगा, आप लोग ट्वेल्व तक करके एक बार जो अभी क्वेश्चन करवाया उसको रिवाइज जरूर करना, जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया उसको रिवाइज जरूर, ठीक है बेटा। ओके नमस्ते, ठीक है आज की नमस्ते।